दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी को कंधे में लगी चोट, पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल में भर्ती। जी हां, आपको पता चले कि दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर दिल्ली पुलिस के कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस की तरफ से एलजी आवास पर प्रदर्शन किया गया। इस विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी के अलावा सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी अनुज अत्रोय ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी गिर गए। उनके सिर और कंधे में गंभीर चोट आई है। उन्हें पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि अनिल चौधरी के कंधे की हड्डी टूट गई है। वहीं अनुज अत्रोय ने बताया कि दिल्ली पुलिस का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन पर अत्याचार किया है। सच का साथ देने आए, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो लोग हैं, इनके पूर्वजों ने बेटे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये राहुल भी सच के साथ खड़े, ये तानाशाही मोदी समझ ले। अरे जब इंटर शाही नहीं रही तो मोदी शाही नहीं रही, भाजपा शाही रहेगी, ये अमित शाही तो रहेगी। प्रजातंत्र आएगा, अब लड़ाई प्रजातंत्र के लिए, संविधान बचाने के लिए। राहुल जी अब लड़ाई लड़ रहे, राहुल जी को जरूरत नहीं है पैसे की, भ्रष्टाचार करने की। राहुल जी आवाज है पिछड़ों की, आवाज है बेरोजगारों की, आवाज है विपक्ष की, राहुल जी आवाज है इस मुल्क की, जो मोदी से सहमत नहीं है। आवाज है राहुल जी इस मुल्क की जन मोदी नीतियों के खिलाफ, आवाज है राहुल जी युवाओं की, और उसी में मैं राहुल जी के साथ। अनिल भाई आप संघर्ष करो, अनिल भाई आप संघर्ष करो। लाठी चला ले, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। आपने भी कचरा दिया जी, मैं पुलिस जवानों का दोष नहीं देता, लेकिन मोदी की पुलिस का विरोध करता हूँ। ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी हाय हाय।